आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हमने की थी। तो पास्कल लॉ क्या होता है? प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मीनिंग क्या है? अगर हम कोई भी, मान लो ये मैंने सपोज किया हुआ है, एक कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर हमने लिक्विड को फिलअप किया है और यहाँ पर डिफरेंट पिस्टन लगा रखे हैं। एक पिस्टन ए पॉइंट पर, दूसरा बी पॉइंट पर यहाँ लगा हुआ है, तीसरा सी पोजीशन पर लगा है और फोर्थ पिस्टन जो है वो डी पोजीशन पर लगा हुआ है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि अगर हम किसी भी लिक्विड को एनक्लोज करते हैं और उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में वो प्रेशर जो है लिक्विड के हर पोर्शन के ऊपर या हर पॉइंट के ऊपर और साथ में कंटेनिंग जो ये वेसल है इसकी हर एक वॉल्स के ऊपर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। तो मीनिंग हम यहाँ पर सपोज करते हैं एक पिस्टन हमने लगाया ये, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं स्मॉल ए, और यहाँ से हम एक फोर्स जो है वो लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और फोर्स हमने कितना लगाया है, F1, और F1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, F वैल्यू है। तो ये फोर्स जब ये यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो इसका मीनिंग लिक्विड के ऊपर एक तरह का प्रेशर लगा हुआ है, और लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, P1 प्रेशर लगेगा, और एरिया अगर इसका ए है, फोर्स हमने F1 लगाया है, F1 की वैल्यू F है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया आ जाएगा। ये अगर हमारे पास मान लो ये यहाँ पर ये तीन डिफरेंट पिस्टन और लगे हुए हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इन पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगेगा, और इन पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यानी कि इनको स्टेशनरी रखने के लिए हमें इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो बी एंड पर हमें फोर्स लगाना पड़ा है F2। अगर यहाँ का मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लेता हूँ, मान लो a/2 लेता हूँ, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना रह जाएगा, F/2 फोर्स हमें यहाँ पर इसको रेस्ट पर रखने के लिए लगाना पड़ेगा। तो P2 की जो वैल्यू आएगी, फोर्स F2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, a/2, क्योंकि एरिया हमने इसका कंसीडर किया है a/2। तो P2 जो फोर्स लगे, प्रेशर जो लगेगा, दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, F/a आ जाएगा। फर्दर ऐसे ही ये जो पिस्टन है इसको अपनी पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हम 2a कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा 2F। तो यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे P3 2F/2a, क्योंकि फोर्स भी यहाँ पर कितना है 2F, डबल फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से भी डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, प्रेशर F/a बचेगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ पर हम एरिया कंसीडर करते हैं इसका, इस पिस्टन का 3a, तो हमें 3F फोर्स जो है इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो है इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर कितना लगेगा, P4 = 3F/3a, यानी कि फोर नेट प्रेशर जो आएगा F/a आएगा। तो हर एक सिचुएशन में, मीनिंग अगर हमें यहाँ से प्रेशर हमने अप्लाई किया है, पी प्रेशर अप्लाई किया है या P1 प्रेशर अप्लाई किया है, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर प्रेशर चाहिए P2, यहाँ पर चाहिए P3 और यहाँ पर चाहिए P4 प्रेशर। अगर पिस्टन का एरिया भी डिफरेंट लेते हैं तब भी ये जितने भी प्रेशर आएंगे हमारे पास, ये सब F/a, मीनिंग प्रेशर जो आएगा P1 जो आएगा, दिस इज इक्वल टू P2 = P3 = P4, यानी कि प्रेशर अगर P1 हमने अप्लाई किया है तो ये प्रेशर हर एक पार्ट पर इक्वली जो है वो ट्रांसमिट हो गया है, और प्रेशर जो बी पोजीशन पर, सी पोजीशन पर और डी पोजीशन पर लगा है, सभी प्रेशर क्या होंगे, इक्वल। तो इसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमारे पास है। तो एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ की? सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमारा इसका यूज होता है, और एक हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं गाड़ियों में, जो ब्रेक आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वहाँ पर भी जो है इसका पास्कल लॉ यूज करते हैं। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट का अगर हम केस लें, फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें हमारे पास जो है दो सिलेंडर लगे होते हैं ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लगा हुआ है। एक सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A2 है, और जो स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया है, यहाँ से हम एक स्मॉल फोर्स
मान लो F1 फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है लिक्विड और एक पिस्टन जो यहाँ पर लगा जिसका एरिया ज़्यादा है, तो जिस लोड को हमें उठाना होता है हम उसको इधर रखते हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जैसे ही यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ से प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा लिक्विड पर, F1 डिवाइड बाई A1। तो ये प्रेशर जो है यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा P2 की फॉर्म में P2, और ये ब्लॉक जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F2। और P2 अगर हम फाइंड आउट करें, P2 क्या आएगा, F2 डिवाइड बाई A2 आएगा। हम अगर यहाँ से कंसीडर करते हैं, अभी हमारा जो एरिया है A2 इज ग्रेटर देन A1, तो इसका मीनिंग A2 डिवाइड बाई देन, और प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल ला, अगर हम पास्कल ला अप्लाई करें, पास्कल्स ला के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, जो प्रेशर P1 है वो किसके इक्वल आएगा, P2 के। तो इसका मीनिंग F2 डिवाइड बाई A2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, F2 डिवाइड बाई F1 का जो रेशियो आएगा दिस इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1। बट ये जो फैक्टर है हम प्रूव कर चुके हैं, ये रेशियो 1 से ज़्यादा है। जब रेशियो ये 1 से ज़्यादा है इसका मीनिंग क्या है, इस टर्म का मीनिंग, इसका मीनिंग हो गया अभी F2 जो फोर्स लगा है दिस इज़ ग्रेटर देन F1 फोर्स, यानी कि स्मॉल फोर्स लगा करके स्मॉल एरिया पर हम जो है किसी हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो वर्क करती है। ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले हम एटमॉस्फेयर पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो हमें पता है अर्थ जो है हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसके अराउंड जो है एक गैस का एक एनवल्प है, इस गैसियस एनवल्प को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं अर्थ का, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर जो अर्थ का, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, यहाँ पर डिफरेंट लेयर आप एटमॉस्फेयर की रीड करोगे या कर भी चुके होंगे। तो अगर मैं कंसीडर करूँ अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जितना फोर्स ये गैस का जो इन्वॉल्व है, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है या लार्ज डिस्टेंस तक जो है ये क्या है, एक्सटेंडेड है। अगर हम इसका एक कॉलम बना लें गैसियस इन्वॉल्व का, ये कॉलम जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यूनिटी मान लें, तो ये जितना प्रेशर किसी पॉइंट पर एक्सर्ट करेगा गैसियस इन्वॉल्व, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन करते हैं हम इसकी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ ए वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर, वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दैट पॉइंट टू, मीनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आएगा किसी भी पॉइंट पर वो किसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम। ये जो वर्टिकल कॉलम हमने लिया है एयर का जो वर्टिकल कॉलम लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम यूनिटी मानते हैं, ठीक है, वो जितना वेट एक्सर्ट करेगा उस पॉइंट पर जिस पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट टू द टॉप ऑफ द अर्थ एटमोसफियर,
top of the Earth's atmosphere. मीनिंग अर्थ का जो टॉप पॉइंट है, एटमॉस्फेयर का जो अर्थ का टॉप पॉइंट है, वहाँ से लेके अगर हम जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है वहाँ तक का एक कॉलम बना ले, एयर का कॉलम, तो इसका जो वेट लगेगा यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर किसी पॉइंट के, तो उस प्रेशर को हम बोलेंगे, यानी कि वेट पर यूनिट एरिया को हम बोलेंगे क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसकी यूनिट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होगी हमारे पास, तो सी लेवल पर, एट सी लेवल हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है वो हम कंसीडर करके चलते हैं वन एटमॉस्फेयर। क्या लेते हैं हम इसको, वन एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर जो आएगा हमारा वो किसके इक्वल आता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल के जो है इक्वल आएगा। तो मीनिंग ये हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है, वन एटमॉस्फेयर लिख देते हैं हम इसको, और शॉर्ट में 1 ATM भी लिखते हैं हम इसको, ATM। तो 1 ATM जो आएगा 1.013 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। तो इसका यूज करके हम अपने एटमॉस्फेयर की हाइट भी निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। मीनिंग अगर हम प्रेशर को कंसीडर करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल, और डेंसिटी जो होती है हमारी, डेंसिटी हम कंसीडर करें, एयर की जो डेंसिटी है 1.3 kg/m³, ये डेंसिटी होती है एयर की, डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की जो डेंसिटी है रो से लिखी है मैंने ये। अगर हमें हाइट निकालनी है और जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, 9.8 m/s², तो हमें पता है प्रेशर का जो फॉर्मूला है h ρ × g, और h जो आएगा दिस इज इक्वल टू p प्रेशर रो डेंसिटी डिवाइडेड बाय g। तो 1.01 × 10⁵ और रो की वैल्यू जो है 1.3, जी की वैल्यू 9.8, और इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो टर्म आती है वो कितनी आएगी, 8 किलोमीटर के आसपास जो है हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमारी एक्चुअल में ये हमारी जो है हाइट नहीं है एटमॉस्फेयर की। क्यों नहीं है हाइट, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं डेंसिटी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एयर की डेंसिटी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हाइट के साथ। 6 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के जो डेंसिटी जो है, एट 6 किलोमीटर हाइट डेंसिटी हमारी हाफ रह जाती है, कितनी रह जाती है, हाफ। 6 किलोमीटर की हाइट पर डेंसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाती है। और 12 किलोमीटर की हाइट पर जाकर हमारी जो ठीक है, ऐसे ही 25 किलोमीटर से अबव जाकर, अगर हम अबव 25 किलोमीटर जाते हैं किलोमीटर, तो हमारी जो डेंसिटी है वो 1/20 टाइम जो हमारी डेंसिटी सी लेवल पर थी उसका 1/20 टाइम रह जाती है। तो मीनिंग के डेंसिटी का जो है वेरिएशन हो रहा है हाइट के साथ, जो है इसका वेरिएशन हो रहा है। तो ये प्रिडक्ट करना कि एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर की हाइट अर्थ के कितनी है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इसलिए हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो हाइट है, हाइट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये हाइट हम नियरली कितनी मान के चलते हैं, 400 किलोमीटर के आसपास जो है हम ये क्लियर है। और जबकि 50 किलोमीटर से अबव जो है, कितनी हाइट पर अबव, 50 किलोमीटर हाइट, जो एयर लेफ्ट रह जाती है, एयर लेफ्ट इज ओनली 1%।
मीनिंग पूरे एटमॉस्फेयर की एयर का सिर्फ 1% पार्ट ही 50 किलोमीटर की हाइट से अबव रह जाता है। तो मीनिंग हम नियरली कितनी हाइट मान के चलेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, 400 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर नहीं मान के चलेंगे क्योंकि डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है, एक जैसी डेंसिटी नहीं है। अगर एक जैसी डेंसिटी होती तो 8 किलोमीटर हाइट आ जाती। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोवेंसी फोर्स, या बायोवेंसी क्या होती है या अपथ्रस्ट क्या होता है। देखो, हम जब किसी भी लिक्विड के अंदर, मान लो ये कोई लिक्विड है और इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं, तो लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं क्या, अपथ्रस्ट या बायोवेंट फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन ए बॉडी मर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोवेंट फोर्स। तो ये हमें पता होना चाहिए बायोवेंट फोर्स क्या होता है और अपथ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे, ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो बायोवेंट फोर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर कम्प्लीटली या पार्शली मर्ज करते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई भी लिक्विड है और इसके अंदर किसी बॉडी को हम या तो कम्प्लीटली या पार्शली, कम्प्लीटली या फिर पार्शली मर्ज करते हैं, तो लिक्विड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। और वो जो अपथ्रस्ट लगाएगा, वो अपथ्रस्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल आएगा। जो ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उस वेट के, उसके लिक्विड के वेट के इक्वल आएगा। इसका मीनिंग जब किसी भी बॉडी को हम वाटर के अंदर मर्ज करेंगे या लिक्विड में मर्ज करेंगे, तो इसका मीनिंग उसका कुछ वेट जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और लॉस जो आएगा वेट में वो किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू द अपथ्रस्ट। तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन ए बॉडी इज मर्ज्ड होली और पार्सली, या तो कंप्लीट उसको मर्ज करते हैं या फिर पार्शली मर्ज करते हैं इन ए लिक्विड एट रेस्ट, इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। ये अपना कुछ वेट जो है वो क्या कर देगी, लॉस कर देती है। और जो लॉस आएगा वेट में, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मीनिंग क्या है, जो वेट में जो लॉस आएगा बॉडी का, जो वेट कम हो जाएगा, वो कितना कम हो जाएगा, जितना वेट वो जो है लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा उसने वेट के इक्वल जो है क्या हो जाएगा, बॉडी का वेट कम हो जाएगा। मीनिंग क्या, अपथ्रस्ट के इक्वल वेट लॉस हो जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, भाई हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हमने कोई भी लिक्विड लिया है, ABCD लिक्विड, वाटर भी हो सकता है,
और इसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी मैं कंसीडर कर लेता हूँ रो, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और एक बॉडी को सिलेंड्रिकल बॉडी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं डिप करता हूँ। इस बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए, और इसकी जो हाइट है वो हाइट हम कंसीडर करते हैं एच। ठीक है, ऐसे हमने कंसीडर कर लिया है। और लिक्विड के सरफेस से, मान लो ये हमारा लिक्विड का सरफेस है, इसका अपर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स। तो ऊपर वाले सरफेस से इसका लोअर सरफेस जो होगा उसकी जो हाइट आएगी ये कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस एच आ जाएगी। तो मीनिंग हम यहाँ पर डिफरेंट फोर्स जो है फाइंड आउट करेंगे भी, अगर अपर सरफेस पर मैं कंसीडर करता हूँ एफ वन फोर्स लगा, और नीचे से लिक्विड जो है वो कितना फोर्स लगाता है एफ टू, तो अपथ्रस्ट कितना लगेगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपथ्रस्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, अपथ्रस्ट कितना जो है इसके ऊपर लगेगा, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो अपथ्रस्ट जो लगेगा दिस इज इक्वल टू नेट जो डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है एफ वन, और जो ऊपर की तरफ लिक्विड ने फोर्स लगाया वो एफ टू। मीनिंग एफ वन फोर्स जो है, जो इसके ऊपर लिक्विड है वो फोर्स लगा रहा है अपर सरफेस पर, और एफ टू जो है नीचे से फोर्स लगा हुआ है, तो इन दोनों के सम के इक्वल क्या आएगा, अपथ्रस्ट। एफ से लिख देता हूँ अपथ्रस्ट को मैं, तो एफ वन जो आएगा अगर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पर प्रेशर मेरा पी वन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, तो इसको लिखेंगे पी वन इंटू ए एफ वन को, और ये जो टर्म है इसको हम राइट करेंगे यहाँ पर, यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा पी टू इंटू ए। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, तो पी वन ए माइनस पी टू इंटू ए। बट हमें एक चीज़ का पता है कि प्रेशर हमारा जो है यहाँ पर हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या कम है, तो मैं इसको एफ टू माइनस एफ वन की बजाय क्या लिख देता हूँ, एफ वन माइनस एफ टू की बजाय एफ टू माइनस एफ वन कर देता हूँ, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, नेट फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ऐसे, इसका मीनिंग एफ टू ज़्यादा है, तो ये पी टू यहाँ पर हो जाएगा पी वन। तो वैल्यू पुट कर देनी है, प्रेशर प्रेशर को हम लिखते हैं पी इज इक्वल टू एच रो इंटू जी। अब पी टू को लिखना है तो पी टू को क्या लिखेंगे, यहाँ तक की हाइट कितनी है, एक्स प्लस एच है, तो एक्स प्लस एच इंटू रो इंटू जी, ये हमारा प्रेशर और एरिया हमारा है ए। ऐसे यहाँ पर पी वन, पी वन के लिए हाइट कितनी, अब एक्स हाइट है, तो एक्स रो इंटू जी इंटू ए आ जाएगा। इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स रो जी इंटू ए प्लस में एच रो जी इंटू ए और माइनस में एक्स रो जी इंटू ए। तो ये जो टर्म है हमारी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो नेट जो फोर्स लगेगा दिस इज इक्वल टू एच ए रो इंटू जी, ये टर्म बचेगी, और एच इंटू ए ये क्या हो जाएगा, इस कॉलम का वॉल्यूम हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं जितना वॉल्यूम सिलेंडर का आएगा उतना ही वॉल्यूम में लिक्विड का क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड का, और रो इंटू जी जो होता है, ये जो टर्म है, ये हमारी जो टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ लिक्विड, तो ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, और इसको हम लिख सकते हैं वेट, एम इंटू जी क्या होता है, वेट होता है, ये वेट किसका आएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड आएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो मीनिंग ऐसे हम जो है यहाँ पर अपथ्रस्ट निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसका जितना वेट इसका डिस्प्लेस होगा उतना ही लॉस होगा, तो इसका मीनिंग ये क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ वेट, जो बॉडी हमने मर्ज किया उसका वेट कितना लॉस हो गया, एम इंटू जी के इक्वल। और अगर अपेरेंट वेट हमें इस ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर निकालना हो, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, तो अपेरेंट वेट कितना आएगा, डब्ल्यू डैश। तो जो इसका एग्जैक्ट वेट है उसमें से हम जो है किसको माइनस कर देंगे, ये जो हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट आया है इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं कंसीडर करूं इस सिलेंड्रिकल जो बॉडी हमने कंसीडर की थी, इसका मास एम और जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये जो वेट है डिस्प्लेस लिक्विड, इसका मास एम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा एम इंटू जी। तो मीनिंग उसका जो अपेरेंट वेट आएगा लिक्विड के अंदर इतना आएगा, ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के अंदर हल्का हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है लॉ ऑफ फ्लोटेशन गिवन है भी कोई बॉडी कब जो है फ्लोट करेगी और कब वो सिंक कर जाएगी। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, अगर हमारा ट्रू वेट जो है बॉडी का क्या है, ट्रू वेट कैपिटल W जो लिखा है मैंने, वो अपथ्रस्ट से यानी कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी जो है, बॉडी क्या कर जाएगी, बॉडी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, बॉडी विल सिंक। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। सेकंड केस लेते हैं, केस टू, अगर हम लेते हैं वेट जो हमारा है, ट्रू वेट जो है, अगर उसको हम किसके इक्वल लेते हैं, उसको हम अपथ्रस्ट के इक्वल लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में लिक्विड के अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसका मीनिंग रिजल्टेंट फोर्स जो लगा हुआ है बॉडी के ऊपर, जब उसको हम लिक्विड में डिप करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या लगेगा, जीरो लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, और बॉडी जो है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। द बॉडी विल फ्लोट, ठीक है, वो फ्लोट करेगी। मीनिंग क्या है, बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी और स्टे इनसाइड द लिक्विड, और लिक्विड के अंदर ही रहेगी, लिक्विड से बाहर नहीं आएगी बॉडी, लिक्विड के अंदर होगी वो। तो केस थर्ड अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर भी, थर्ड केस हमारा जो है, इफ़ जो हमारा वेट है, एक्चुअल वेट जो है बॉडी का, वो लेस देन अप थ्रस्ट है। ठीक है, एक्चुअल वेट जो है, ट्रू वेट जो है, ट्रू वेट ये हमारा लेस है किससे, अप थ्रस्ट से, तो इस सिचुएशन में भी बॉडी क्या करेगी, द बॉडी विल फ्लोट। बॉडी फ्लोट करेगी, देखो ऊपर वाला जो केस था, यहाँ पर बॉडी जो है वाटर के सरफेस के नीचे होती है, ये अगर वाटर का सरफेस है तो बॉडी सरफेस के नीचे होती है, या लिक्विड के अंदर कहीं पर इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन वो वहाँ पर फ्लोट करेगी। बट ये जो हमारी सिचुएशन है, थर्ड केस जो हमने कंसीडर किया है, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी जो है वो लिक्विड के सरफेस से, मीनिंग फ्लोट करेगी लेकिन लिक्विड के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है, तो ये हमारी सिचुएशन बनेगी। या तो मीनिंग क्या, बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो सरफेस से अबव आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वुड के केस में आप ऐसा देख सकते हो, जब भी वुड हम जो है लकड़ी को जब पानी के अंदर मर्ज करते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो है वो सरफेस से बाहर की तरफ होता है। तो ये थे हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन को अगर हम कंबाइन करें, तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द मर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज एट लीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। तो मीनिंग क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड, द बॉडी विल फ्लोट इन ए लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड by the merged part of the body is at least equal to or greater than the weight of द बॉडी। तो मीनिंग ये हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया है, जिसको आप लर्न कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।